शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ऐसे फैसल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अपने तमाम बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऐसे फैसल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारी मालूमती वीडियोस का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। प्यारी बहनों और भाइयों, इंसान अपनी बीवी से हाजत को उस वक़्त पूरी करता है जब उसमें ये ख्वाहिश पैदा हो, और यह ख्वाहिश पैदा होने के बहुत से असबाब हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी ख्वाहिश या तो देखने से पैदा होती है या फिर लम्स और छूने वगैरह से। इसलिए जब शहवत हो तो उसे इस हालत में पूरा करना इफ़त व अज़मत और आँखों को नीचीर करने और शहवत की सरकशी और तेज़ी को रोकने का बाइस है। अहदीस में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी इसकी रहनुमाई फरमाई है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किसी औरत को देखा तो आप अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए तो वो एक खाल रगड़ रही थी। नबी अकरीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी हाजत उनसे पूरी फरमाई। इसके बाद वो अपने सहाबा के पास गए और फरमाने लगे, यकीनन औरत शैतान के रूप में ही आती है। जब भी कोई शख्स किसी औरत को देखे तो अपने घर वालों के पास आए, इसलिए कि ऐसा करने से जो कुछ उसके ज़हन में आया होगा वो चला जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने और सुनने वालों को पसंद आई होगी। तो आखिर में मैं अपने बहन और भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नई वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल एस एफ एस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।